आपको मेरे चैनल पर उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी खैरियत से। आज वो मोमोज किचन आपके लिए नई रेसिपी लाई है, बिल्कुल जबरदस्त किस्म की। ये देखें आप, मेरे पास सब्ज फली है। जी हाँ, ये सब्ज फली है जिसको हम ग्रीन बीन्स भी कहते हैं। वो मोमा आपको आज ये बनाने का तरीका बताएंगी किस तरह बनेगा। हाफ के जी मेरे पास सब्ज फली है, 3 अदद आलू है। चले जी हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। वो मोमा का स्टाइल है, किस तरह बनाएंगे इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। चले हम अपनी तैयारी करते हैं। ये देखें हमने ये सब्ज फली अपनी इस तरह तरतीब से कर ली है। अब हमने इसके ऊपर के टॉप काटने हैं। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये हमने साइड में कर दिए हैं और इस तरह बारीक बारीक इनको हम कटिंग कर। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, खाने में बहुत जायकेदार है, बहुत मजा आने वाला है। आलू और सब्ज फली बहुत जबरदस्त लगेगी ये सालन में। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब्ज फली की हमने कटिंग कर ली है और किस तरह कटिंग की है ये आप आराम से देख सकते हैं। चलें जी अब हमने आलू की कटिंग करनी है। आलू मैंने छील लिए हैं, अब हमने सिर्फ इसको किस तरह काटना है वो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे बड़े आप साइज में कोई इशू नहीं होता। ये देखें ये मैंने इस तरह के पीसेस कर लिए हैं। चलें अब हम तमाम आलू की कटिंग कर लेते हैं। क्या करना है, ये लहसुन है, इसकी कितनी जो चाहिए वो हम ले लेते हैं। ये देखें लहसुन के मैंने 4 जो लिए हैं, यानी कि 4 अदद के इस तरह पीसेस लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको छील के बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। ये देखें हमने इसको छील के अब हम इसको इस तरह कटिंग में लेंगे। हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई, अब हम चलते हैं चूल्हे के पास। चूल्हे पे मैंने अपना पॉट रख दिया है और ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। ड्राई हो गया, इसमें हम पूरा 1/2 कप ऑयल लेंगे। ऑयल ले चुके हैं, अब हमने फ्लेम इसका स्लो रखना है। ये देखें हमारे पास लहसुन है जो हमने इसको कटिंग कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल स्लो आंच से हम इसको गोल्डन कलर देंगे। माशाल्लाह से खूबसूरत कलर आ गया है इसका, ये देख रहे हैं आप। और ये हमारा कोई गर्म था इसलिए जल्दी जल्दी फ्राई होना शुरू हो गया। इसको इस तरह हम हिलाते रहेंगे ताकि जो साइडों में हो रहे हैं बारीक बारीक वो एक ही कलर में रहे। ये देख सकते हैं, ये देखें माशाल्लाह से खूबसूरत कलर आ गया है। पूरा 1 मिनट हमने इसको दिया है हल्के फ्लेम से। अब हमारे पास ये कटिंग की हुई हमारे पास सब्ज फली है, हम इसमें ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें हमारे पास आलू हमने धो के अच्छी तरह से इसकी भी इसमें हम डाल देते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। वाओ माशाल्लाह, वाओ मामा आपके साथ हमेशा नई रेसिपी लेकर आती हूँ, तो आप इंशाल्लाह ये सब्ज फली आलू के साथ खाएंगे तो वाओ मामा को बहुत याद करेंगे। सब्जी अमूमन जल्दी बन जाती है, सिर्फ मसला ये होता है कटिंग का। तो कटिंग हुई हुई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखें 1 चम्मच हमारे पास नमक है, नमक आप हंसके जरूरत ले सकते हैं इसमें। और हल्दी, ये 1/2 चम्मच हमारे पास हल्दी है। हल्दी डालने से एक तो कलर खूबसूरत होता है और ये सेहत के लिए अच्छी है, सर्दियों में तो खासतौर पे। देखें ये देखें, वाओ माशाल्लाह हमारा टाइम पूरा हो गया है। और अब हमने सबसे पहले इसमें क्या डालना है ये आप देख सकते हैं। मेरे पास 2 अदद टमाटर है, 5 हरी मिर्चें हैं और इसी तरह मैंने 2 लीमों का रस इसमें निकाल लिया है और टमाटर के अंदर ही डाल दिया है। ये देखें कोई काम कर रही है वो मामा किचन, इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाला है। अब इसको हम अच्छे तरह से मिक्स कर देते हैं। ये देखें ऊपर नीचे हो जाएगा ना, वाह जबरदस्त रेडी हो गया सब्जी, इंशाल्लाह जल्दी बन जाती है। ये आप हमारी रेसिपी चेक कर सकते हैं, फौरन हमारा टाइम हो गया है इसको। अब हमने क्विक काम करने हैं। इसके अंदर 1 कुटी लाल मिर्च डालनी है। ये देखें आप, लाल मिर्च मैंने कूट के रखी हुई है, इसके अंदर डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। देखें वाओ जबरदस्त यमी यमी सी रेडी होने वाली है। ये देखें जी, अब हमें क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए
ढक दें ताकि टमाटर हमारे हल हो जाए। अब हम आपसे 2 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम पूरा हो गया। अब हमने शुरू कर से इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। इस तरह हम प्रेस कर दें। ये टमाटर देखें कैसे हल हो गए ना। वो मम्मा की रेसिपी रेडी हो गई है और कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह बहुत जायकेदार होने वाली है। कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिएगा। चलें जी अब हम आपकी तरफ आ रहे हैं सर्व करने के लिए। वाओ माशाल्लाह वाओ मम्मा किचन की रेसिपी जबरदस्त रेडी हो गई। जल्दी से आप इसको लाइक करें, कमेंट्स में जवाब दें और शेयर करें अपनी फैमिली के साथ। इंशाल्लाह वाओ मम्मा आपके साथ फिर मिलती है नई रेसिपी।